बीरबल जी, आपको याद है हमने आपसे क्या कहा था? विराट, आप हमारी माशूका हैं, जो आपकी हर बात याद रखे, जो कुछ भी कहना है वो सीधे सीधे कही। हमें रोशनी चाहिए। तो यहाँ क्या अंधेरा है? बीरबल जी, हम उस लड़की रोशनी की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से आपने हमें पकड़ा था। अच्छा अच्छा, वो लड़की विराट, वो लड़की रोशनी, जहां भी है खुश, आप भी खुश रहिए। जय बीरबल जी, जब हमने आपके लिए काम करना शुरू किया तब आपने हमसे कहा था कि सही वक्त आने पर आप हमें उसका पता बताएंगे, तो बताइए ना। हाँ, कहा था कि सही वक्त आने पर हम आपको उसका पता बता देंगे। अभी सही वक्त नहीं आया, अब जाइए। मतलब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं? हमें याद है कि हमने आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम आपको। बीरबल जी, प्रणाम। बीरबल हमारा नाम है। कहिए। बीरबल जी, मेरी लक्ष्मी दीदी गायब हो गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, पल्लू संभाल के। देखिए, पल्लू तो खुद आपको ही संभालना होगा, लेकिन खुद को संभालते हुए आप रोना बंद कीजिए और हमें बताइए कि हुआ क्या है। जी, मैं शादी में गई हुई थी, वापस लौटकर देखा तो दीदी 4 दिन से गायब है। मैं उनके काम की जगह पर गई थी पर वो वहां भी नहीं थी, पल्लू संभाल के। कहाँ काम करती हैं आपकी लक्ष्मी दीदी? जी, शाही संग्रहालय में, पल्लू संभाल के। शाही संग्रहालय में? आप लक्ष्मी शास्त्री जी की बहन है? जी। विराट जी, लक्ष्मी शास्त्री जी हमारे शाही संग्रहालय में काम करती हैं। वही शाही संग्रहालय जिसे जहाँ बनाने हिंदुस्तान की संस्कृति और इतिहास के धरोहर संभालने के लिए बनाया था, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इतिहास से दूर ना हो जाए। लक्ष्मी जी एक बहुत अच्छी इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही उम्दा इतिहासकार और पुरातन विशेषज्ञ भी है। वैसे आपको किसी पर शक है? जी, शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन वो मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती, उन्हें कुछ हो गया है, पल्लू संभाल के। देखिए देखिए, आप पद्मा। पद्मा प्यार नाम है ना। देखिए पद्मा जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी दीदी लक्ष्मी जी को ढूंढ निकालेंगे, विराट खुद आएगा आपसे मिलने के लिए। शुक्रिया। विराट, आपने तो कहा कि विराट आएगा, अभी आएगा, ऐसे नहीं कहा। पहले हमारी बात सुनी जी। विराट, लक्ष्मी जी को ढूंढना बहुत ही जरूरी है, 3 दिन के अंदर उन्हें ढूंढना होगा विराट, क्योंकि 3 दिन बाद जापना ने एक पुरस्कार समारोह रखा है। इतिहास के क्षेत्र में जिन्होंने भी अच्छा काम किया है, जापना उन्हें पुरस्कृत करना चाहते हैं और उसमें लक्ष्मी जी का भी नाम है। अगर लक्ष्मी जी उस समारोह में नहीं आई और जापना को यह पता चला कि वो गायब है, तो पता नहीं जापना क्या हंगामा कर देंगे। लक्ष्मी जी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, बदले में आपको हमें रोशनी का पता बताना हो। विराट, हमने आज तक शर्तों पर काम नहीं किया है। देखिए, आप लक्ष्मी जी को ढूंढिए, उसके बाद हम रोशनी के बारे में बात करें। पद्मा, पद्मा। तो ये है लक्ष्मी जी का कमरा। विराट, सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, पूछिए। तो ये लक्ष्मी जी का कमरा है? जी, पल्लू संभाल के। पूछिए, आगे पूछिए, सवाल पूछिए। कोतवाल महमूद ने अपनी मर्जी से सवाल पूछते हैं, किसी से पूछते नहीं है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, तुम हमारी तरफ से सवाल पूछो। शुक्रिया। पद्मा जी, हम ये लक्ष्मी के बारे में और जानना चाहते हैं, बताइए। जी, 3 महीने पहले लक्ष्मी दीदी का उनके पति रमन शास्त्री से झगड़ा हुआ, उसके बाद वो घर छोड़कर यहाँ चली आई, फिर वापस गई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने रमन जीजा जी से अलग होने का फैसला कर लिया था। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ यहाँ और कौन कौन रहता है? ये सवाल हम पूछेंगे। फिर से महमूद मियां, नहीं, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पूछताछ कीजिए, हम शाही संग्रहालय में जाके पूछताछ करते हैं। वो क्या है ना, बड़ी जगह है, वहां तो किसी समझदार इंसान को जाना चाहिए।
क्यों है पल्लू संभाल के? सिर पे बाल नहीं है ना। खैर जाने दिए। हाँ तो हम ये आपसे पूछ रहे थे कि आपके साथ और यहाँ कौन कौन रहता है? जी मेरे और लक्ष्मी दीदी के अलावा मेरे पति संगीत यहाँ रहते हैं। वो मालवाहक जहाज के मुख्य चालक हैं, लेकिन बहुत दिनों से वापस नहीं आए हैं, पर कभी भी वापस आ सकते हैं। और कोई? जी हमारे नौकर बंसी पल्लू संभाल। ये तस्वीरें तो शाही संग्रहालय की मूर्तियों की है। हर एक मूर्ति की दो दो तस्वीर। लक्ष्मी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे अलग हो जाओगी और मैं कुछ नहीं करूंगा? अगर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे पास वापस लौटा। तुम्हारा पति रमन। पद्मा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मी जी के गायब होने के पीछे उनके पति रमन का हाथ? कह नहीं सकती, मुझे तो पता भी नहीं था कि जीजा जी दीदी को धमकी भरे खत लिखते थे पल्लू संभाल के। अच्छा तो आप इस शाही संग्रहालय के अध्यक्ष हैं जी, तो मथुरा दास जी, आपके हिसाब से किसने लक्ष्मी जी को गायब किया और क्यों? नहीं पता, कहीं टूट नहीं जाए। तो आप हमें इस नहीं पता का पता बताइए, हम कोतवाल महमूद ने उसकी हलक में हाथ डाल के सच गलवा लेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ पता होता है कि किसका पता कहां से। अब्बास, महमूद मियां, ये बच्चों की आने की जगह नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। यहां पर हम गंभीर पूछताछ कर रहे हैं, जाओ यहां से। कर लीजिए पूछताछ। तो मथुरा दास जी, हम कहां थे? काफी देर से हम दोनों यही तो खड़े हैं। आपने 5 बार पूछा, मैंने 5 बार जवाब दिया नहीं पता नहीं पता नहीं पता। 3 दिन से लक्ष्मी काम पे नहीं आ रही, मुझे लगा कि वो कहीं ऐतिहासिक वस्तु की खोज में व्यस्त होगी, कहीं टूट न जाए। बुढ़ापे में गर्दन ऐसे घुमाओगे तो सच में टूट जाएगी, समझे? निकला यहां से, कहीं टूट न जाए। तो आपके हिसाब से लक्ष्मी जी का कभी यहाँ पे किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? अब्बास, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इसे पूछताछ करने की? महमूद मियां, अब बड़े कोतवाल है, अगर आपको किसी ने छोटे लोगों से बातचीत करते देख लिया तो क्या सोचेगा? सोचिए। हाँ तो फजल मियां, कभी तो आपने देखा होगा या सुना होगा लक्ष्मी जी के बारे में? हाँ याद आया, 4 दिन पहले की बात है। तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। लेकिन मैं ये नहीं देख पाया कि वो आदमी कौन था। कोई बात, जितना आपने बताया उसके लिए शुक्रिया। वो दुनिया? हाँ, मैं सोच रही हूँ। अब्बास, हमसे कहा सोचने के लिए, जब से हम सोच रहे पर ये सोच नहीं पाए कि वो लोग हमारे बारे में सोचते हुए क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनके पास फालतू लोगों के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ है। अब्बास, हाँ
अच्छा यही रमन शास्त्री। नहीं नहीं विराट, कर दी ना अब्बास वाली बात, मेरा मतलब बच्चों वाली बात, ये नहीं रमन शास्त्री। हमसे पूछ, हम कोतवाल है, पहचान जाते हैं। वो लगता है रमन शास्त्री, ये लगता है मिस्त्री। सुनो, तुम ही रमन शास्त्री हो? नहीं, मैं तो उनका सहायक हूँ, विनायक। तो रमन शास्त्री कहाँ है? ये क्या सामने बैठे? मैंने कहा था ना। क्या कहा? रमन जी, हमें लक्ष्मी जी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। विराट, कोतवाल हम है, हुक्म हम देंगे, तुम सिर्फ खड़े रहो, देखो और सीखो ये क्या नहीं करना। रमन शास्त्री, तुम्ही मेरी पत्नी हो, तुम्ही मेरी प्रेरणा। देखो, तुम वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। हथौड़ी चलाकर भगवा तो कर लिया, आप क्या उसकी जान लोगे? देखो, मैंने अगवा नहीं किया है मेरी पत्नी को, मुझे तो आप लोगों ने कहा तब पता चला कि मेरी पत्नी अगवा हो गई है हथौड़ी चलाकर। और उसका सबूत भी है हमारे पास, ये खत जो तुमने लक्ष्मी जी को लिखा था, और इसमें तुमने साफ साफ लिखा है कि अगर तुम वापस लौट कर नहीं आई तो तुम उसकी जान ले लोगे। देखो ये जो खत है ना, मैंने लिखा था ना मैंने, लेकिन मुझे था कि वो डरकर मेरे पास वापस आ जाएगी हथौड़ी चलाकर। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने 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 उसे गायब नहीं किया है हथौड़ी चलाकर। कोतवाल पे हाथ उठाते हो? अब चलो हम पूछताछ करेंगे हथौड़ी घुमा घुमा कर। नहीं भाई, चलो मेरी बात चलो। बीरबल जी, हमने मथुरा दास से अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की कि उन्हें क्या पता है, और ये पता चला है कि उन्हें कुछ नहीं पता। और वहां पर वो शाही संग्रहालय का सफाई वाला भी था फजल, उसने तो अपना मुंह ही खोल दिया। लेकिन उससे तो पूछताछ अब्बास ने की थी। बीरबल जी, आप भी धोखा खा गए, मतलब अब्बास को देखिए इससे। बीरबल जी, रमन के घर की और कार्यशाला की हमने तलाशी ली, लेकिन हमें वहां कुछ नहीं मिला। हेलो, ये इनके सरदार, ये नहीं बताया आपको कि हमने इससे कहा वहां की तलाशी लेने के लिए, इसलिए कुछ नहीं मिला। महमूद मियां, आप जितनी बातें करते, अगर उतना काम भी करते तो हमें कोतवाल की जगह चोरों की मदद लेनी नहीं पड़ती। चोरी सही बीरबल जी, लेकिन इस चोर की मदद के बिना आपके लिए कोई भी मामला सुलझाना नामुमकिन सा हो गया बीरबल जी। सही कहा विराट, सुन रहे महमूद मियां? चलिए बताइए, आपने जब रमन से पूछताछ की तो उसने क्या बताया? कुछ नहीं। हमारा मतलब है कि हमने अपने सारे हथकंडे अपनाए, पर वो इसी बात पे अड़ा है कि उसने लक्ष्मी जी को गायब नहीं किया। बीरबल जी, इतनी छानबीन करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करे तो करे क्या? रमन को छोड़ दीजिए। जी महमूद मियां, रमन को छोड़ दीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी तक पहुंचने के लिए रमन का आजाद होना बहुत जरूरी है। अगर रमन ने लक्ष्मी जी को कहीं छुपा कर रखा है तो आजाद होने के बाद वो सीधा लक्ष्मी जी के पास जाएगा, और उसके जरिए हम लक्ष्मी जी तक पहुंच जाएंगे। अब्बास, महमूद मियां, आप दोनों उस पर नजर रखिए। जी, नजर रखने के लिए जाना होगा। जी, जाओ दोनों। बीरबल जी, अब आप भी जाकर आराम करिए। नहीं विराट, आज जाने का मन नहीं कर। मतलब उर्वशी जी किसी बात पे आपसे नाराज हो गई और आप उन्हें मना नहीं पा रहे हैं? आपको कैसे पता? बीरबल जी, पैदाइशी आयाश है, मतलब आशिक हैं हम। आप चाहे तो हम आपके इस काम में मदद कर सकते हैं। सच मुझ? लेकिन उसके बदले में आपको एक हमारा काम करना पड़ेगा। विराट, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आपने हमारा काम कर दिया तो हम आपका काम कर दें। ये हुई ना बात। ठीक है, अब आपका व्यक्तिगत मामला है, इसमें हम क्यों पड़े भला? विराट, विराट नाराज हो गए।
दोस्तों के बीच तो ये चलता है। फिर दोस्त पक्के दोस्त ये हुई ना बात, तो बीरबल जी समझ लीजिए कि आपका काम भी हो गया। ओ, ये रमन अब तक कार्यशाला से बाहर क्यों नहीं आया, थक गए यहाँ पर खड़े खड़े। बस एक बार वो बाहर आ जाए तो उसका पीछा करते करते लक्ष्मी जी तक पहुंच जाऊंगा और फिर बीरबल जी को साबित कर दूंगा कि उन्हें चोरों की नहीं बल्कि सिर्फ कोतवाल महमूद मियां की जरूरत है चोरों को पकड़ने के लिए। इतनी गर्मी में कंबल उड़ के जा रहा है। ये लो महमूद मियां बादाम पिस्ते वाला दूध। अरमन कार्यशाला से निकला तो नहीं ना? अरे अब्बास हमारी नजरें चमगादड़ की तरह तेज हैं, आता तो नजर आ जाता। अरे विनायक, अरे आप, रमन अंदर ही है ना? जी नहीं, वो तो अभी भी बाहर गए कंबल ओढ़ के। कंबल ओढ़ के तो वो रमन था? जी हाँ। जो अरे तो आप तो उसका पीछा करना पड़ेगा, तो भागते भागते तो ये बादाम पिस्ता वाला गरम गरम दूध गिर जाएगा, तो उसका क्या करेंगे? अरे इसे यहाँ रखो, चलो। हमने पहले क्यों नहीं सोचा? अपना दिमाग घर पे छोड़ के आए हो आप, चलो अब। घर नहीं, रमन के पीछे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विराट, लगता है वो रमन ने हम तीनों को धोखा दिया और गायब हो गया। हमें नहीं, सिर्फ आपको। तुझे पता है इन्होंने वहाँ पे क्या करा? बादाम पिस्ता पता है। वो देखो चल के रमन को ढूंढते हैं। अरे उसे बाद में ढूंढेंगे। अरे वो पद्मा का पति संगीत वापस लौटा है और वो लक्ष्मी जी के बारे में हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले उससे मिलते हैं, बाद में रमन को ढूंढते हैं। चलो ठीक है। देख लूंगा मैं तुम दोनों को, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। मुझे पता है कि तुम लोगों के बहकावे में आकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। ये रमन हमें चकमा देके यहाँ पहुंच गया, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, कैद खाने ले जाके इसको। राजा बीरबल जी ने क्या कहा? हमें सिर्फ नजर रखनी है और कुछ नहीं। देख लूंगा मैं तुम दोनों को। ए, क्या हो रहा है यहाँ? रमन जीजा जी जबरदस्ती घर में घुस आए, लक्ष्मी दीदी का सारा सामान ले जाना चाहते हैं। संगीत ने मना करने की कोशिश की तो धमकियां देने लगे पल्लू संभाल के। झूठ बोल रहे हैं लोग। अरे पहले ही तुम दोनों ने मेरी पुत्री को गायब कर दिया। अरे कम से कम उसका सामान तो मुझे दो। वो सामान नहीं है, मेरी पुत्री की यादें। जी लूंगा मैं जी लूंगा उसके सहारे हथौड़ी चलाकर। रमन ज्यादा नाटक किया ना, तो हथौड़े क्या उंगली चलाने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें, समझा? ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये नाटक नहीं है। विराट हम तुम्हारी माशूका नहीं जो तुम हम इशारे कर रहे हो। अरे महमूद मियां रमन गया तो? अरे पिछले आपको चकमा दे जाएगा वो, चलिए। हाँ वो बादाम पिस्ता दूध पिलाना, चलो चलो। तो आप है संगीत? जी हाँ मैं ही संगीत हूँ। वापस कब लौटे? आज ही आया हूँ। पर बड़ी जल्दी आ गए। देखिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि लक्ष्मी दीदी को जल्दी ढूंढ निकालिए और मुझे पूरा यकीन है कि रमन का ही उसमें कुछ ना कुछ हाथ है। फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द हम लक्ष्मी जी को ढूंढ लेंगे और जो कोई भी गुनहगार है वो हमारे हाथों से बच के नहीं जा सकता। और हाँ एक और बात, कोई सुराग मिले या लक्ष्मी जी के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत हमें बता दीजिएगा। जी जी जरूर बताऊंगा आपको, जरूर। ठीक, वैसे वापस कब जा रहे हैं? अब तो यहीं रहूंगा। क्या हुआ बीरबल जी, इतनी रात को क्यों बुलाया? विराट अच्छा हुआ आप आ गए। विराट उर्वशी मान ही नहीं रही है, हम कितनी देर तक उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहे, दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। मोहब्बत ने आपकी नींद उड़ा दी इसलिए आप हमारी नींद खराब कर रहे हैं। वाह बीरबल जी वाह, इसने आपको भी निकम्मा किया, वरना आप भी आदमी काम के थे। हमने आपको
यहाँ अपनी मदद करने के लिए बुलाया और आप ताने मार रहे हैं। देखिए दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। निभाऊंगा ना बीरबल जी, लेकिन आपको हमारा वादा तो याद है ना, लिख के दू। हाँ ये सही किया, हम अभी कागज और कलम ढूंढते हैं। आप जाइए बाहर, जाकर कागज कलम ढूंढिए और वहीं रहिएगा, वापस मत आना। हम खुद ही कुछ सोच लेंगे। बीरबल जी नाराज क्यों होते हो? अगर उर्वशी जी ने दरवाजा नहीं खोला तो खिड़की के रास्ते से जा सकते थे ना। खिड़की, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि आप चोर नहीं है ना, और इसके मामले में भी बड़े कच्चे से हैं। एक काम कीजिए, ये लीजिए आपके लिए। हम जलाना झुमके नहीं पहनते। ये आपके लिए नहीं है, उर्वशी जी भाभी के लिए है। उर्वशी तुम्हारी भाभी कब से होगी? अरे जब से आप हमारे खास दोस्त बने तब से। एक काम कीजिए, ये झुमके उन्हें तोहफे में दीजिए और साथ में ये खत भी उन्हें दीजिए, हमने आपकी तरफ से लिखा। ये खत आपने लिखा? हाँ। उर्वशी भाभी को लिखा? हाँ। हमारी तरफ से लिखा ना? हाँ भाई हाँ। पढ़ते हैं। तेरी झील सी गहरी आंखों में देखता हूं तो डूब जाता हूं, दिल करता है कि तेरी जुल्फों के साये में अपनी तमाम उम्र गुजार दूं। क्या बकवास है ये? अरे आंखें झील कैसे हो सकती है, उसमें कोई डूब कैसे सकता है, और जुल्फे या पेड़ जिसकी छाव के नीचे कोई सो जाए? बकवास। उर्वशी जी को बनाना है कि नहीं? हाँ तो फिर जैसे हम कहते हैं वैसे करिए। अगर वो दरवाजा ना खोले तो खिड़की के रास्ते से जाइए और ये झुमके और खत वहीं छोड़ के आ जाइए। देखिए आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे, लेकिन अगर आपके वजह से हमारी मंगनी टूटी तो आपको कैस खाने में डाल देंगे। हाँ ठीक है ना बीरबल जी। विराट हम जा रहे हैं। विराट हम जाइए ना बीरबल जी। विराट हाँ। बीरबल जी आप अभी तक नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो महमूद मियां? अरे तुम्हें लेने आया हूँ। पद्मा ने फौरन बुलाया, उसका नौकर बंसी बाहर इंतजार कर रहा है, वो लक्ष्मी जी के बारे में कुछ बात करना है। हाँ पद्मा ने बुलाया? हाँ। अरे फिर तो मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा। ये भगवान ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? विराट ये तो मर गई, ये तो जिंदा है। हकीम, हकीम को बुलाना पड़ेगा। अरे तू जाके बुला के लेकर आओ ना। बंसीलाल तुम्हारे जाने से पहले यहाँ क्या हुआ था? पद्मा बिटिया बहुत परेशान थी, बोली कि उसे कोई सुराग मिला है लक्ष्मी बिटिया के बारे में, आपको तुरंत बुला के लेके आऊं। बीरबल जी पद्मा की लाश के हाथ में हमें यह खत मिला। पद्मा अगर मुझे कुछ हो जाए तो बीरबल जी से मिलकर उन्हें बताना कि मेरे कमरे में शाही संग्रहालय में रखी मूर्तियों की जो तस्वीरें हैं उनमें एक राज छिपा है, तुम्हारी बहन लक्ष्मी। विराट लक्ष्मी जी के कमरे में रखी हुई वो तस्वीरें कहाँ? बीरबल जी खत पढ़ने के बाद जब मैं लक्ष्मी जी के कमरे में गया तो वो तस्वीरें वहां पर नहीं थी बीरबल जी, और कमरे की हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि किसी ने वहां पर चोरी की। विराट ये मामला तो बड़ा ही पेचीदा होता जा रहा है, इसके पीछे क्या राज है ये जानने के लिए उन तस्वीरों का मिलना बहुत ही जरूरी है। वैसे एक तरीका है बीरबल, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसी भी चीज को एक बार देख लूं तो उसकी तस्वीर हूबहू मेरे जहन में बैठ जाती है। अब्बास मैं जैसे जैसे कहता हूं तू वैसे वैसे तस्वीर बना। बिल्कुल।
इस तस्वीर में क्या राज छुपा है ये हमारी समझ में तो नहीं आ रहा। लेकिन बीरबल जी, हर मूर्ति की दो दो तस्वीरें थी और वो भी एक ही जैसी। आप दोनों की कुछ समझ में आ रहा है? मुबारक हो, संगीत को होश आ गया है। विराट, तुम जाके संगीत से पता करो कि कल रात क्या हुआ। बीरबल जी, अरे आपसे वो एक बात पूछना भूल गए। क्या? उर्वशी जी माने क्या? विराट, तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने खिड़की से वो झुमके और खत उर्वशी के कमरे में डाल दिए। उसके बाद उर्वशी से हमारी मुलाकात नहीं, तो हमें पता नहीं कि उसके मिजाज कैसे। लेकिन एक बात याद रखना विराट, अगर तुम्हारे उस खटिया खत की वजह से उर्वशी और हमारी मंगनी टूटी तो तुम्हारी और हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। अरे उसकी नौबत नहीं आएगी बीरबल जी। विराट विराट, सिर्फ एक दिन बाकी है। लक्ष्मी जी को ढूंढना बहुत जरूरी है। एक दिन बाद पुरस्कार समारोह है। क्या जवाब देंगे हम जापना को? जाइए। हाँ। काश अपनी पद्मा के साथ मैं भी मर जाता। पहले लक्ष्मी दीदी गई और अब पद्मा भी चली गई। हिम्मत से काम लीजिए संगी, मैं आपसे वादा कर, पद्मा का कत्ल जिसने भी किया उसे हम पाताल से भी ढूंढ निकले, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। बताइए क्या हुआ था उस रात? में अपने मित्रों से मिलकर घर लौटा था और क्या कर रहा तू? अरे कौन है तू? चोर! जिसने दीदी को गायब किया है। तो चोर खिड़की से कूद कर भागा। वापस लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं। हथौड़ी चलाकर। ओ, तो ये तुम्हारा काम है रमन। क्या कह रहे हो तुम? मैंने किसी का खून नहीं किया है। रात को मूर्ति गिरी ना, इसलिए मेरी टांग टूट गई। तुम्हें पता है मैं इतना सा भी चल नहीं सकता हूं। हथौड़ी चला के झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी टांग मूर्ति गिरने से नहीं टूटी, तुम्हारी टांग टूटी है पद्मा के घर के खिड़की से भागते हुए, और उसका सबूत है वो जूती जो वहां पे छूट गई थी। नहीं, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है हथौड़ी चलाकर। देखो, सच और झूठ का फैसला हम करेंगे।
चलो यार। चलो लेकिन मैं चल नहीं सकता। चलो मेरी बात तो सुनो। आप घसीट तो सकते हो। बीरबल जी सारे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि असली गुनेगार रमन ही है और अब तक तो महमूद मियां ने उसके 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 हलक हलक में हार डाल के सर झुकवा लेंगे। अरे महमूद मियां आप। अरे बीरबल जी हलक क्या, हमने उसका गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ खींच डाला बाहर, फिर भी रमन चीख चीख के कह रहा है कि वो बेगुनाह है। कुछ तो है जो छूट रहा, कुछ तो है जो हमारे सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। क्या अब्बास जी, तुमने जो तस्वीरें बनाई थी वो दो। बिल्कुल। एक ही मूर्ति के दो अलग अलग चित्रों में अंतर कैसे हो सकता है? अब्बास जी आपको हमारा एक काम करना। बिल्कुल। बिल्कुल सही था बीरबल जी, शाही संग्रहालय में जिन मूर्तियों की ये तस्वीरें हैं वो सब नकली हैं। विराट, लक्ष्मी जी की बनाई इन तस्वीरों के पीछे क्या राज है ये हम समझ गए। हम जान गए कि लक्ष्मी जी इन तस्वीरों के जरिए हमें क्या कहना चाहती थी। विराट, लक्ष्मी जी जान गई थी कि शाही संग्रहालय में जो मूर्तियां रखी हैं वो असली नहीं है। उन असली मूर्तियों की जगह बिल्कुल हूबहू उन्हीं के जैसे दिखने वाली नकली मूर्तियां रखी गई हैं। इसलिए उन्होंने हर मूर्ति की दो तस्वीरें बनाई, एक असली और एक नकली। और इससे पहले कि वो इस राज से पर्दाफाश करती, मूर्तियां बदलने वाले इंसान ने उसे गायब कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है विराट कि वो इंसान है कौन। रमन। बीरबल जी और वो एक शिल्पकार है, इसलिए नकली मूर्तियां बनाना उसके लिए बाई टांग का खेल है। महमूद जी हाथ का। और हाँ, लक्ष्मी जी की वजह से उसका शाही संग्रहालय में आना जाना भी था, और हो सकता है कि लक्ष्मी जी ने उसे बताया हो कि वो नकली मूर्तियों के बारे में जान चुकी है। उसने ही लक्ष्मी जी के घर से तस्वीरें चुराई और पद्मा का कत्ल भी किया। मेरे पास सबूत भी है। ये है सबूत। जूती। आप तीनों को ऐसा लगता है कि रमन मुजरिम है, पर हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रमन अगर इतना शातिर मुजरिम होता तो वो जूती छोड़ने जैसी बेवकूफी नहीं करता। विराट, महमूद मियां, अब्बास, अगर असली मुजरिम को हमें ढूंढना है तो हमें किसी और तरीके से सोचना होगा, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि पुरस्कार समारोह शुरू होने में बहुत कम समय बाकी है। अरे बीरबल जी को कैसे पता चला कि मैंने लक्ष्मी जी को यहां बंदी बनाकर रखा? कहीं टूट न जाए। पत्र राजा जी, आपका पत्र मिला, मैं दौड़ता हुए चला आया। चलिए लक्ष्मी जी को छुपा देते हैं।
अरे मैंने नहीं लिखा, ये देखो, ये देखो, तुमने लिखा, देखो देखो देखो, मैंने आपको कोई खत नहीं लिखा। ये देखो अरे, आपने भी कोई खत नहीं लिखा, मैंने भी कोई खत नहीं लिखा, तुम्हें लिखा किसने? हमने भेजा है और हमने लिखा है खत, ताकि तुम दोनों के जरिए हम लक्ष्मी जी तक पहुंच सके। महमूद मियां, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। विराट, हुक्म तुम नहीं लोगे। कोतवाल महमूद मियां को सिर्फ एक आदमी हुक्म दे सकता है। क्या पूछ रही है? ये बोल रही है कौन? अरे खुद कोतवाल महमूद मियां, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मियां मुझे नहीं, इन्हें। हाँ, हम तुम्हें भी गिरफ्तार करते हैं। मैंने खोलता हूँ, इन्हें लेके जाइए। नहीं विराट, कातर आके हुक्म हम देंगे, तो तुम इन्हें खोलो, हम इन्हें छोड़ के आते हैं। चलो संगीत, अब तहखाने में तुम्हें संगीत सुनाता हूँ। बीरबल जी, एक बात हमें समझ नहीं आई कि आपको इन दोनों पर शक कैसे हुआ? महमूद मियां, विराट, अब्बास, आप तीनों बारी बारी हमें एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपको पता चले कि हमारे इस दफ्तर में कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या करेंगे? पहले मैं। ठीक है महमूद मियां, पहले आप बताइए। मैं इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता, क्योंकि बीरबल जी यही दोनों हैं जो कुछ गलत काम कर सकते हैं। क्या हुआ? मैं सबसे पहले आपको बताता बीरबल जी। मैं भी, क्योंकि पद में आप हमसे बड़े हैं। तो जब लक्ष्मी को यह पता चला होगा कि शाही संग्रहालय में रखी हुई मूर्तियां नकली हैं, तो उसने क्या किया होगा? सबसे पहले मथुरादास को बताया होगा। नहीं, सबसे पहले मथुरादास जी को बताया होगा। और मथुरादास का यह काम था कि वो हमें आकर बताए, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया नहीं, इसी बात से हमें इन पर शक हुआ। रही बात संगीत की, तो जब रमन के घर के खिड़की के नीचे से हमें उसकी जूती मिली, तो हम समझ गए कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कौन, यह पता करने की जिम्मेदारी हमने अब्बास को सौंपी। और जब मैंने खोजबीन की तो मुझे पता चला कि जिस रात पद्मा का कत्ल हुआ था, उस रात मथुरादास संगीत के साथ उसके घर गया था। हम समझ गए कि ये दोनों मिले हुए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप सबके सामने। सही कहा बीरबल जी, जब हमें नकली मूर्तियों के बारे में पता चला तो हमने मथुरादास जी को बताया। इन्होंने कहा कि ये जहां बना से बात करेंगे, लेकिन जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं दोबारा इनसे बात करने गई। मथुरादास जी, अरे आओ आओ लक्ष्मी, आओ। मथुरादास जी, कहीं टूट न जाए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं खुद बीरबल जी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी, वो भी अभी और इसी वक्त। बीरबल को बतानी चली थी ना सर। उसके बाद जब मैं होश में आई तो मैंने अपने आप को एक कैद खाने में कैद पाया। असली मूर्तियां कहाँ हैं? वो मूर्तियां तो हमने विदेशों में बेच दी। संगीत जहाज का मुख्य चालक है, मूर्तियों को बेचने की जिम्मेदारी इसी की थी, कहीं टूट न जाए। अब तो तोड़ ही देंगे, तुम्हारी गर्दन के साथ साथ तुम्हारी कमर भी। संगीत, अब ये भी बता दो कि जिस रात पद्मा का कत्ल हुआ था, तो असल में उस रात हुआ क्या था? जी उस रात हाँ हाँ मथुरादास जी, आपका भी ध्यान रखा है मैंने, आपका भी माल लाया हूँ। अच्छा ये ले भाई, आप ऐसा खुश। अरे कितना अच्छा होता कि लक्ष्मी को इस बारे में पता नहीं चलता कि हम शाही संग्रहालय से असली मूर्तियां बेच करके उसकी जगह नकली मूर्तियां रखा देते हैं, वरना हम उसे गायब नहीं करवाते, टूट नहीं जाए। दादाजी आहिस्ता बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, अब निकलिए यहाँ से।
कहीं टूट न जाए। अच्छा तो तुम दोनों ने मिलकर गायब किया है लक्ष्मी दीदी को ताकि तुम्हारा सच दुनिया के सामने ना सके। लेकिन जो काम लक्ष्मी दीदी नहीं कर पाई ना वो काम मैं करके दिखाऊंगी। मैंने बंसी को भेज दिया है कोतवाल महमूद और विराट जी को बुलाने के लिए। वो लोग आते ही होंगे। देखो तुम कोई बात समझती नहीं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सबको बता दूंगी। चुप। तुमने मारा है। चुप। तुमने गायब किया है। फिर उसके बाद हमने लक्ष्मी के कमरे में रखी हुई असली मूर्तियों की तस्वीरों को जला दिया जिससे कोई कभी भी असली और नकली में फर्क ना कर पाए। फिर हमने नकली मूर्ति की तस्वीरों को रमन की कार्यशाला में रख दिया। उसके बाद रमन की जूती चुराई और उसे खुद के घर के खिड़की के नीचे रख लिया। खुद को जख्मी कर दिया और नकाबपोश की झूठी कहानी हम सबको सुनाई ताकि हमारा शक सीधा रमन पर जाए। जी बहुत अच्छी योजना थी तुम्हारी लेकिन तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्योंकि पद्मा जी की लाश के हाथ में हमें वो खत मिला जो लक्ष्मी जी ने पद्मा के लिए छोड़ा था अपने गायब होने से पहले। लेकिन तुम्हारे लिए हूबहू असली मूर्तियों जैसी दिखने वाली नकली मूर्तियां बनाता कौन था? रमन का सहायक विनायक। महमूद मियां गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों। और हां उस विनायक को भी हिरासत में ले लीजिएगा। उसने भी तो इन दोनों का साथ दिया। एक बात और महमूद मियां रमन को आजाद कर दीजिए वो निर्दोष। लेकिन बीरबल जी सबसे पहले मैं इनकी मूर्ति बनाना चाहूंगा उसे तोड़ूंगा फोड़ूंगा उसके बाद इन्हें तोड़ूंगा और फोड़ूंगा। ये महमूद मियां भी ना लक्ष्मी जी हमें आपकी बहन ना पद्मा की मौत का दुख है। जी बीरबल जी होने को कौन टाल सकता है। सही कहा आपने होने को कौन टाल सकता है। अब्बास लक्ष्मी जी को बाइज्जत ले जाइए। एक बात और पुरस्कार समारोह में वक्त पर ले आइएगा इन्हें। जी पुरस्कार समारोह। जी लक्ष्मी जी जहां बना आपके अच्छे कार्यों के कारण आपको पुरस्कृत करना चाहते हैं और ये आपका हक भी है। बीरबल जी आप कम से कम ये तो बताइए कि उर्वशी जी मानी के नहीं मानी। विराट उर्वशी मान गई है। ये हुई ना बात। पर ये सब आपकी वजह से हुआ है इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बीरबल जी देखिए आपने हमसे एक वादा किया था कि अगर उर्वशी जी मान गए तो बदले में आपको एक हमारा काम करना पड़ेगा। विराट हम अपना वादा हमेशा पूरा करते। तो फिर बीरबल जी हमें भी रोशनी का पता बता दीजिए ना। अरे आपने वादा किया था पूरा करना पड़ेगा आपको।